हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ खेल तंत्र। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल मैच के बारे में, जो कि है साफ चैंपियनशिप का ग्रैंड फिनाले। ये मैच स्पेशल इसलिए है क्योंकि फुटबॉल के इतिहास में पहली बार के लिए नेपाल के फुटबॉल टीम फाइनल में खेलने को जा रहे है, और फाइनल में किसके खिलाफ खेलेंगे इस बात पे कोई डाउट नहीं है, द किंग ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल इंडिया। इस मैच के बारे में हम बात करेंगे, मैच के प्रोबेबल प्लेइंग 11 prediction क्या होंगे। Here in this video we are going to discuss them all. सबसे पहले guys, let's talk about Nepal football team. इतिहास तो already रच दिया है नेपाल की टीम ने, लेकिन ये इतिहास सुनहरे अक्षरों से लिखा उस वक्त जाएंगे जब नेपाल की टीम भारत को हराएंगे। जी हाँ, साउथ एशियन फुटबॉल में अपना चाव चोरने का नेपाल के पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे। जी हाँ, ये टारगेट मुश्किल जरूर है, बट नेपाल के प्लेयर्स के लिए, नेपाल के फुटबॉल फैंस और नेपाल के फुटबॉल के फ्यूचर के लिए ये जीत बहुत ही जरूरी है। याद रखिएगा, इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी जायंट टीम मालदीव्स और श्रीलंका को नेपाल ने हराया है, तो गाइस अपकमिंग मैच में हमें एक कांटे का टक्कर देखने को मिलेंगे। द ओनली प्रॉब्लम विद नेपाल इज देयर फिनिशिंग। कभी कभी ऑपोजिशन के बॉक्स के अंदर नेपाली फुटबॉलर डिसीजन मेकिंग में लड़खड़ा जाते हैं। इंडिया के खिलाफ लास्ट मैच में हमें अंजन बिस्ता के एक गलती देखा, लेकिन अपकमिंग मैच में नेपाल कोई भी गलती नहीं कर सकते। दिस इज देयर अल्टीमेट चांस टू विन द प्रेस्टिजियस ट्रॉफी, बट गाइस इंडियन टीम को हराना इतना भी आसान नहीं है। खास करके डेंजर मैन सुनील छेत्री अपने किलिंग फॉर्म में वापस आ गए हैं। ऑल्दो सुनील छेत्री अपने हाइट के लिए जाने नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी बॉक्स के अंदर हेडर आफ्टर हेडर जीतना कोई उनसे सीखे। द लीजेंड ऑफ एशियन फुटबॉल विदाउट एनी डाउट सुनील छेत्री हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर के सूची में सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी से ही पीछे है। द थर्ड एक्टिव हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड सुनील छेत्री के पास अपने देश को एक और खिताब जिताने का बेहतर अवसर है। लेकिन गाइस, ऑन द मैच डे इट विल नॉट बी अबाउट ओनली सुनील छेत्री। अगर फाइनल जीतना है तो टीम वर्क यहां पे आएंगे। इंडियन मिडफील्ड और डिफेंस को नेपाली स्ट्राइकर से सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेपाली फॉरवर्ड्स को मौका मिलेंगे तो अपने फिजिकैलिटी और पेस के इस्तेमाल करके कीपर गुरप्रीत सिंह संधु को नेपाली खिलाड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। तो गाइस, प्लेइंग 11 की अगर आप बात करें तो यहाँ पे इंडियन टीम इस तरह के एक फॉर्मेशन के साथ मोस्ट प्रोबेबली खेल सकते हैं। वही नेपाल के प्लेयर्स अपना ट्रेडिशनल 4-3-3 के एक फॉर्मेशन के साथ ही फील्ड पर उतर सकते हैं। मैच के फाइनल प्लेइंग 11 क्या होंगे वो इगर्स टीमाच और अब्दुल्ला अलमुजरी के ऊपर डिपेंड करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग की अगर आप बात करें तो नेपाल में एक्शन स्पोर्ट्स HD इस मैच को दिखाएंगे, वही भारत में यूरो स्पोर्ट्स चैनल इस मैच का ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 8:30 PM से यह मैच शुरू हो जाएंगे। गाइस, कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताइए कि इस मैच का विजेता कौन होंगे, आपका प्रेडिक्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। मिलते हैं मैच के बाद एक और नए वीडियो में। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अलविदा।